नमस्कार, एसएमएस में आपका स्वागत है। आज लोग हैं हम लोग शाह ऑडिटोरियम के अंदर। यहाँ पे हो रहा है पूरे देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम सम्यक साहित्य प्रकाशन द्वारा, ये किया जा रहा है। और हमारे साथ शांति स्वरूप बौद्ध जी हैं। शांति स्वरूप जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शांति स्वरूप जी, आपका ये जो कार्यक्रम है इसमें लाखों की तादाद में बहुत सारे लोग आए हुए हैं और बाहर भी लाइन लगी हुई है, लोग सभी आए हुए हैं यहाँ पर। और मैं देख रहा हूँ कि सभी व्हाइट ड्रेस में आए हुए हैं, तो सफ़ेद ड्रेस में ही क्यों आए हुए हैं? और ये जो बुद्धों का जितना कार्यक्रम होता है उसमें अधिकतर सफ़ेद ड्रेस में ही आते हैं, तो क्या है ये सफ़ेद ड्रेस का, वो बताएं। एक्चुअली ऐसा है कि हर एक आइडियोलॉजी की कोई पहचान होती है जी। तो बौद्धों की एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान ये है कि उनका ड्रेस कोड जी, जो उनका अनुशासन है, वो सफ़ेद वस्त्रों के साथ चलता है जी। और यहाँ तक कि बौद्ध देशों में जो विवाह होते हैं जी, वो सफ़ेद वस्त्र के ही साथ होते हैं जी। सफ़ेद वस्त्र को सच्चाई का प्रतीक माना गया है, सफ़ेद वस्त्र को शांति का प्रतीक माना गया है जी। ये वो रंग है जिसमें मामूली सा कभी कलंक आ जाए तो एकदम दिखता है, काले रंग में नहीं दिखेगा जी, बिल्कुल। किसी गहरे रंग में नहीं दिखेगा जी। तो ऐसे ही चारित्रिक दुर्बलता किसी व्यक्ति में आ जाए तो वो एकदम दिखती है जी। तो बिल्कुल सफ़ेद रंग की तरह अपने आप को बनाना है, अपने आप को पारदर्शी बनाना है, अपने आप को शील सदाचार से युक्त बनाना है। ये सफ़ेद वस्त्र धारण करने का एक संदेश है और ये बौद्धों का एक ड्रेस कोड है। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं लेकिन आपके जितने कार्यक्रम होते हैं उनकी एक अलग पहचान होती है। जो 2019 का ये सम्यक सम्मेलन करवा रहे हैं, इसमें क्या विशेष है वो बताएं। नहीं, सबसे बड़ा विशेष तो यह है कि आज देश में हम देख रहे हैं कि हमारे दुश्मनों के षड्यंत्र के कारण हम लोगों में सम्मान की भूख बढ़ गई है जी। हम अपने सम्मान पाने के चक्कर में रहते हैं, चाहे उसकी पात्रता है या नहीं है। हम सम्मान पाने के चक्कर में संगठन बनाते हैं, सम्मान पाने के चक्कर में संगठन तोड़ते हैं। सम्यक प्रकाशन चलाने वाले हम और हमारे बच्चों ने एक मिसाल कायम की, अब से नहीं बहुत पहले से, कि हमने अपने समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करने का काम किया। जब हम अपनी प्रतिभाओं को सम्मानित करते हैं उसी में हम अपना सम्मान मानते हैं। ये जो आज का जिस प्रकार का साहित्यकार सम्मेलन हो रहा है यहाँ 40 समर्थ लेखकों को और 10 अनुवादकों को, और अनुवादक भी आप देखेंगे बहुत बहुत तरीके के हैं। आज के इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आज बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिवस है जी। आज दिन क्या है, आज हिंदी महीने से हम देखें तिथि के हिसाब से शुक्ल माह के पक्ष की आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी है जी। और ये महाराजा प्रसेनजी यानी प्रसेनजीत का जन्मदिन है, तो आज का ये कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित है। ये महाराजा प्रसेनजीत, हमने एक किताब लिखी है मांग मातंग जाति के आदि पुरुष महाराजा प्रसेनजी, तो इत्तफाक है कि आज हमने जब ये दिन निश्चित किया था तो ये देखकर किया था कि इस दिन ये हॉल उपलब्ध है या नहीं है, मगर हमें नहीं पता था कि आज हमारे महापुरुष की जयंती है। तो आज महाराजा की जयंती है। और दूसरा ये है कि सबसे पहले हम अपने जो 10 अनुवादकों को सम्मानित कर रहे हैं, जो मराठी से हिंदी अनुवाद करते हैं, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करते हैं और तिब्बती भाषा का जो प्रसार हमारे हिंदी भाषा में करते हैं, उनको जो हम सम्मानित कर रहे हैं। तो दुनिया का पहला अनुवादक, ये हम लोगों को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि संसार का पहला अनुवादक आचार्य पूज्य भिक्खु कुमार जीव थे। आज उन्हीं की स्मृति में आज के अनुवादकों को कुमार जीव सम्यक साहित्य रत्न सम्मान उनको दिया जाएगा। ये दूसरी विशेषता इस कार्यक्रम की है। यहाँ जनता आएगी, बहुत जनता आएगी, जनता का प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और वो इस कार्यक्रम में आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। ये आज देखने लायक कार्यक्रम होगा। शांति स्वरूप जी, एक मैं आपसे पर्सनल सवाल पूछना जरूर चाहूँगा कि आज जितना भी यूथ है उस यूथ से कहीं ज़्यादा गुना आप एनर्जिक हैं और एनर्जी से काम करते हैं, चाहे वो समाज को जोड़ने की बात हो, चाहे सम्यक प्रकाशन की बात हो, और हर एक अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा आप काम करते हैं, तो ये जोश जुनून कहाँ से आता है वो बताएं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मुझे तो नहीं नज़र आता, आम आदमी की तरह मैं भी लगा रहता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि मेरा एक एक क्षण, एक एक पल बाबा साहेब बौद्ध धर्म और समाज के प्रति सोचने में लगता है, शायद वहीं से आपको ये शक्ति मिलती नज़र आती हो। बहरहाल, मैं एक आम आदमी की तरह जैसे लोग लगते हैं वैसे मैं लगा रहता हूँ। हाँ, मेरा जो समय है, मेरी ज़िंदगी का एक एक समय मूल्यवान है, मैं उसे बेकार की चीज़ों में नष्ट ना करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति में उसको लगाता हूँ। बस इतना सा थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है, तो आज की पीढ़ी को भी इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए, तो वो भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। कहते हैं हर एक किसी भी व्यक्ति विशेष के पीछे एक सफल नारी का हाथ होता है, तो कितना आपकी नारी का उसमें हाथ है वो बताएं।
नहीं, सारा हाथ ही इनका है। अगर किसी भी कार्यकर्ता की पत्नी उससे असहमत हो तो वो पत्ता तक नहीं ला सकता घर में, और जो कुछ भी लोग कर पाते हैं वो पत्नी के सहयोग से कर पाते हैं। तो हमारे यहाँ भी जो कुछ हुआ है इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं के साथ रहने से ही हुआ है। मैडम, मैं एक आपसे बड़ा पारिवारिक सवाल जरूर पूछूंगा। सम्यक प्रकाशन जो है ये अपना 24 घंटे साहब लगे रहते हैं, देश विदेश कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं, तो आपको टाइम भी नहीं दे पाते होंगे, पारिवारिक समय भी नहीं दे पाते होंगे, तो आप इनको किस तरीके से हेल्प करते हैं, नाराजगी रहती है वो चीज़ बताएं जरा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नाराजगी कोई नहीं रहती जी। हम खुशी रहते हैं क्योंकि भाई हमारा काम आगे बढ़े, सम्यक प्रकाशन आगे बढ़े जी। ऐसी कोई नाराजगी वाली कोई बात नहीं होती जी। खुशी रहते हैं, खुशी रहते हैं। हाँ जी। आप थे हमारे साथ शांति स्वरूप बौद्ध जी, जो किसी नाम और तारीफ के मोहताज नहीं है। सम्यक प्रकाशन पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, चाहे वो लिटरेचर वर्क हो, कहीं भी होता है तो सबसे पहले सम्यक प्रकाशन का नाम बड़े आदर भाव से लिया जाता है। आपने हमारे चैनल से बात करी शांति स्वरूप, जिसके लिए धन्यवाद, आपको साधुवाद। इस तरह के कार्यक्रम आप निरंतर करवाते रहे ताकि लोगों को एनर्जी भी आती रहे, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। जय भीम, नमो बुद्धस, जय संविधान। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।